guys, welcome to my channel and to another video. So in today's video we are going to talk about electric dipole. हाँ जी, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, हमने देखा था कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर वन इज नेगेटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है ना, वो बेसिकली एक अरेंजमेंट है इन दोनों चार्जेस की. क्या बोला मैंने कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, ये बेसिकली एक अरेंजमेंट है किसकी? दो चार्जेस की. एंड वो दो चार्जेस कैसे होने चाहिए? दे शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन नेचर या ऑपोजिट इन साइन. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, और जिनके बीच का जो सेपरेशन होता है दैट इज वेरी स्मॉल. ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस को किसी स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं तो दे फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, तो क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज बेसिकली अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट. अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगी, ये देखिए, ये हो गया मेरा माइनस क्यू एंड दिस इज माई प्लस क्यू. तो जैसी बात हुई थी कि दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए, तो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको मैं लेती हूँ 2a. 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और इस 2a को हम ये भी बोलते हैं, 2a को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल. लेंथ ऑफ डाइपोल ए नहीं लेके हम लोग 2a ले लेते हैं, कुछ कैलकुलेशंस के लिए इजी होता है, इसीलिए हमने 2a ले लिया है उसको. ठीक है, क्योंकि आगे जाकर हमें ऐसा होगा कि हमें हाफ ऑफ द लेंथ लेनी होगी, तो सिंस हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमने 2a ले लिया है, कि जहाँ पे भी हमें हाफ लेंथ चाहिए होगी तो वी विल मेक इट a ओनली. ठीक है, तो हम a बाई टू लेके आते, अगर a रखते तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, राइट? तो हम लोग 2a लेंथ ऑफ डाइपोल ले रखा है. अच्छा, लेंथ ऑफ डाइपोल जो होती है ना, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी लेकर चलते हैं, कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी कुछ होना चाहिए, राइट? तो इसका जो डायरेक्शन होता है, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो अगर मैं बोलूं कि लेंथ ऑफ द डाइपोल जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज. अच्छा, एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये कि ये जो पूरा जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है, उसका कहीं पे एक सेंटर होगा ना लेंथ का, या मिड पॉइंट बिटवीन दीज टू चार्जेस का जो सेपरेशन है, उसका अगर जो मिड पॉइंट होगा उस सेपरेशन का, दैट पॉइंट ओ इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ डाइपोल. सेंटर ऑफ डाइपोल. सो आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू. तो मैंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इट इज बेसिकली एन अरेंजमेंट, या फिर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. ठीक है, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सॉरी ऑपोजिट इन साइन और ऑपोजिट इन नेचर, और इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज वेरी स्मॉल, एंड उस सेपरेशन को मैं 2a लेती हूँ, एंड दिस 2a इज कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ डाइपोल विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड इसका जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ लिया जाता है, किसका? लेंथ ऑफ डाइपोल का. ओके, सो आई होप दैट्स क्लियर. अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, आप सोचोगे कि अगर मैं इसका टोटल चार्ज लूंगी, क्या लूंगी मैं, अगर मैं टोटल चार्ज लेती हूँ, टोटल, या फिर नेट चार्ज लेती हूँ डायपोल का, नेट चार्ज लेती हूँ किसका? डायपोल का, तो वो क्या हो जाएगा? नेट चार्ज मतलब क्या? टोटल चार्ज, तो ये तो माइनस क्यू और फिर प्लस क्यू, तो ये तो क्या हो गया? जीरो हो गया. लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि अगर इसका नेट चार्ज जीरो होता है तो क्या इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, क्या वो भी जीरो होगा? तो द आंसर इज नो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता. ठीक है, सो हाँ, तो क्या बोला मैंने कि अगर टोटल या नेट चार्ज जो है जीरो है, तो दैट डजंट मीन कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो जस्ट बाय सेइंग कि नेट चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ डायपोल, एंड वी विल सी इट इन द लेटर सेक्शन या फिर इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू नाउ. ओके, अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं. नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं? जैसे आपने अमोनिया सुना होगा, एटम्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल ले लीजिए, अमोनिया हो गया है ना, या फिर वाटर हो गया,
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, और उनके बीच में कुछ सेपरेशन होना चाहिए बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो एक अरेंजमेंट बना लेते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल ही कहते हैं, ठीक है। यू विल स्टडी इन केमिस्ट्री एज वेल, ओके। सो आई होप, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो नेचर में भी एग्जिस्ट करता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ वाटर, अमोनिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, एंड देन वी हैव एल्कोहल ऑल्सो, ठीक है। तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन नेचर एज वेल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनते हैं, जैसा मैंने बताया कि देखिए, अब उसमें जो है अमोनिया हो गया या वाटर हो गया या HCl हो गया, या फिर मैं HCl का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, तो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये जो पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव चार्ज है दोनों का ही मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, इट्स जस्ट दैट दिस इज प्लस 1 एंड दिस इज माइनस 1, ठीक है। तो इनका जो भी सेंटर होता है पॉजिटिव चार्ज का या जो भी सेंटर होता है नेगेटिव चार्ज का, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक स्मॉल सेपरेशन रहता ही है, सो वी कॉल देम कि अच्छा ये तो एक अरेंजमेंट हो गया डाइपोल का। आप मतलब समझते हो डाइपोल का मतलब क्या है, डाई मीन्स टू एंड पोल मतलब द एंड्स, ठीक है। तो दैट मीन्स एक अरेंजमेंट ऐसी जहाँ पे दोनों एंड पर दो चार्जेस होंगे, ठीक है, दो एंड्स हैं एंड वहाँ पे दो चार्जेस होंगे, एंड दोज चार्जेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर वन शुड बी नेगेटिव। अब देखिए, कन्वीनियंस के लिए ना हम हमेशा पहले नेगेटिव को ले लेते हैं और बाद में पॉजिटिव को लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले प्लस को कर दोगे बाद में माइनस को कर दोगे तो वो डाइपोल नहीं कहलाएगा, वो भी डाइपोल कहलाएगा। इट्स जस्ट दैट कि मैं इसे क्यों लेती हूं, ये मैं इसलिए लेती हूं क्योंकि मैंने बताया कि जो लेंथ ऑफ डाइपोल है उसका डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो इसीलिए हम पहले कन्वीनियंस के लिए पहले नेगेटिव क्यों रखते हैं एंड देन वी उसको हम कैसे एंड करते हैं दूसरा एंड पॉजिटिव क्यों रख के, ठीक है, समझ में आ रही बात। क्योंकि लेंथ ऑफ द डायपोल का डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसीलिए हम अपने हर जगह जहां पे भी डायपोल बनाएंगे तो हम पहले माइनस क्यों रखेंगे एंड बाद में प्लस क्यों रखेंगे, ठीक है। कीपिंग इन माइंड कि अगर आप इसको अदर वे राउंड कर दोगे, अगर आप पहले पॉजिटिव और दूसरी बार में नेगेटिव रख दोगे तो वो भी डायपोल ही होगा, लेकिन हाँ ये है कि आपको लेंथ ऑफ द डायपोल का ध्यान रखना पड़ेगा, इट शुड ऑलवेज बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके। सो आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू नाउ, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, डायपोल में मैंने बात करी है सेपरेशन की और दूसरी बात करी है किसकी, चार्ज के मैग्नीट्यूड की। तो देखो, आप चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा लो या फिर आप सेपरेशन को कम से कम कर दो, या फिर सेपरेशन को ज़्यादा करो या फिर मैग्नीट्यूड को कम करो, तो ऑब्वियसली डाइपोल में चेंज तो आएगा, है ना। इन जनरल मैं कोई भी चार्ज ले लेती हूँ, माइनस क्यू और प्लस क्यू, अगर मैं इस क्यू को इंक्रीज करती हूँ या फिर मैं इस क्यू को डिक्रीज करती हूँ या फिर मैं इस सेपरेशन के साथ कुछ गड़बड़ करती हूँ, सेपरेशन को बढ़ाती हूँ या कम करती हूँ, तो डाइपोल जो है हमारा उसका जो इफेक्ट है वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, है ना। तो हमारे पास एक क्वांटिटी आती है कि जो हमारा डाइपोल है ना, अगर आपको उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना है, अगर आपको ये देखना है कि डाइपोल कितना स्ट्रांग है या डाइपोल कितना वीक है, ठीक है, तो बेसिकली अगर उसकी आपको स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास एक क्वांटिटी है, एंड उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट, ओके। सो आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू। डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली अ क्वांटिटी विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट हम क्यों लेकर आए, क्योंकि हमें ये देखना था कि हमारा जो भी पर्टिकुलर डाइपोल है किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के लिए या सेपरेशन के लिए, वो डाइपोल कितना स्ट्रांगली इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या फिर कितना वीकली इफेक्ट करता है किसी दूसरे चार्ज को। अब देखिए, अगर वो चार्ज है, डाइपोल के अंदर चार्ज ही है ना, तो वो दूसरे चार्ज को तो जाहिर सी बात है इफेक्ट करेगा, तो वो कितना स्ट्रांगली या वीकली करता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, है ना। तो वो जो है वो क्वांटिटी कौन होती है, डाइपोल मोमेंट, जो मेजर करती है कि हमारा डाइपोल कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन की। अच्छा, अगर मैं इसकी इसको क्वांटाइज करना चाहूँ, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इसकी क्वांटिटी कितनी निकल के आती है, इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देखना चाहूँ, तो वो क्या होती है, तो उससे पहले सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि जो डाइपोल मोमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, एंड ये जो डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है,
ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दूसरी चीज ये कि अगर आप वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो ये वेक्टर पी बन जाएगा. ओके, स्मॉल पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डाइपोल मोमेंट को. अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी तो वो कैसे करोगे. तो इट इज सिंपली कि अगर आप डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना चाहते हो तो आप ये बोलते हो, डाइपोल मोमेंट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज. मतलब दोनों में से कोई सा भी चार्ज उठा लो, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, आप साइन को नहीं लोगे. ठीक है, तो आई एम टेकिंग क्यू, क्योंकि क्यू दोनों का ही मैग्नीट्यूड है. अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस या मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द डाइपोल. ये जो है लेंथ ऑफ द डाइपोल है या सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देते हो किसके साथ, क्यू इंटू टू ए के साथ. तो ये होता है हमारा क्या, डाइपोल मोमेंट. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस, कोई सा भी एक चार्ज ले लो, मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द डाइपोल. सो आई होप दैट्स क्लियर. अच्छा, मैंने बोला था कि इसकी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना. वेक्टर क्वांटिटी तो जाहिर सी बातें होगी, क्यों, क्योंकि इसमें 2a आ रहा है, एंड 2a बोला था मैंने लेंथ ऑफ डाइपोल है, जो कि इन टर्न एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी, वेक्टर p इज इक्वल टू q इंटू टू ए वेक्टर. ठीक है. अच्छा, अगर ये कहा जा रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये बता दीजिए इसका डायरेक्शन क्या होगा. अगेन, इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज क्या इसका डायरेक्शन. डायरेक्शन क्यों, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड सिंस 2a के आने की वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन रही है, तो जो डायरेक्शन 2a की होगी, जो डायरेक्शन लेंथ ऑफ द डायपोल की होगी, वही डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की हो जाएगी, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज. सो आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू. ओके, अच्छा, बात कर ही रहे हैं हम डायपोल मोमेंट के बारे में. क्या बोला मैंने, डायपोल मोमेंट, की डायपोल मोमेंट जो होता है दैट इज क्यू इंटू 2a वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म, या फिर आप अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ये हो जाता है q into 2a. ठीक है. अच्छा, सिंपली मैं इसको p भी लिखती तो दैट वाज आल्सो करेक्ट. अच्छा, तो अगर हम डायपोल मोमेंट की बात कर ही रहे हैं तो साथ ही साथ इसके SI यूनिट के बारे में देख लेते हैं कि इसका जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, क्योंकि हमने देख लिया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो साथ ही साथ इसकी यूनिट्स भी कवर कर लेते हैं. तो जो SI यूनिट होता है डायपोल मोमेंट का, दैट इज चार्ज है तो कूलाम होगा और लेंथ है तो मीटर होगा. तो SI यूनिट इज कूलाम मीटर. ऑलराइट, उसके बाद अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलूं, अगर मैं बोलूं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है हमें, तो मैं क्या करूंगी, कूलाम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट विल बी AT, क्योंकि कूलाम बनता है किससे, एम्पियर इंटू टाइम से, मतलब करंट इंटू टाइम से. उसके बाद M जो है मास, वो तो ऐसा ही होगा कुछ, सॉरी एम इज़ फॉर मीटर, राइट, आई एम सो सॉरी, तो मीटर है तो इसको मैं एल कर लेती हूँ. ठीक है, तो इसका जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा दैट विल बी एम ज़ीरो एल वन ए टी. ओके, सो दिस इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉट, दिस इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डायपोल मोमेंट. सो आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू. ओके, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसको आप जहन में ज़रूर रखें, ठीक है, सिंस हम डायपोल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा है हमने डायपोल में, कि डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल इज़ बेसिकली दैट थिंग विच कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस 2a, एंड दैट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल. ओके, डायपोल की स्ट्रेंथ अगर हमने देखनी है तो डायपोल की स्ट्रेंथ को हम कैसे देखते हैं, हम निकालते हैं डायपोल मोमेंट विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द टू चार्जेस. कोई सा भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए लेंथ ऑफ द डाइपोल के साथ या सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस के साथ. ओके, तो यू विल गेट व्हाट, डाइपोल मोमेंट. तो आई वांट टू टेल यू कि अगर आपके पास पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए है ना, और आपने निकाला होगा डाइपोल मोमेंट को बाय
यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो अगर आप q को इंक्रीज करते जाओ एंड 2a को डिक्रीज करते जाओ, ठीक है, कीपिंग इन माइंड कि जो भी आपने p निकाला है, जो भी ये प्रोडक्ट था वो कांस्टेंट रहे, वो जो भी क्वांटिटी थी वो वही आए, लेकिन आपने q को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है एंड 2a को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिया है, सो दैट कि डायपोल मोमेंट कॉन्स्टेंट ही रहे, डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होना चाहिए. तो ऐसा जो अरेंजमेंट बनता है ना, ऐसा जो डायपोल बनता है ना, दैट डायपोल इज कॉल्ड एज आइडियल डायपोल. समझ में आ रही है बात? या फिर हम कहते हैं इसको पॉइंट डायपोल, आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल. ओके, सो आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू. तो अगर कोई पूछता है कि एक आइडियल डायपोल या एक पॉइंट डायपोल क्या होता है, तो आप ये बोलोगे एक वो अरेंजमेंट जहाँ पे चार्जेस की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है. आई यू गेटिंग इट? मतलब दोनों ही इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, बट देयर मैग्नीट्यूड इज सो हाई एंड द सेपरेशन इज सो लेस, सेपरेशन इज वेरी लेस, तो वो जो अरेंजमेंट बनेगी दैट विल बी आइडियल और पॉइंट डायपोल. सो आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू. सो टॉकिंग ऑफ इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि क्या ज़रूरत है इलेक्ट्रिक डायपोल्स को पढ़ने की, या फिर हम ये कॉन्सेप्ट लेकर ही क्यों आए इन द वेरी फर्स्ट प्लेस. तो देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल को पढ़ना या उसकी फिजिकल इम्पॉर्टेंस क्या है, दैट वी विल डिस्कस नाउ. ओके, तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक डायपोल की जो स्टडी होती है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमेना इन मैटर. लाइक जो आप भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं, जो आपके मैटर हैं, मैटर के अंदर आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर इन टर्न आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव न्यूक्लियर, राइट? तो वहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है, वहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी निकल के आती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो वो शो करते हैं, तो वहाँ के लिए उस स्टडी को करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाना वॉज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल को पढ़ते हो, ठीक है, इफ़ यू गेट टू नो ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिकल फिनोमिना शोन बाय वेरियस मैटर या वेरियस मटीरियल पार्टिकल्स. तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज इम्पॉर्टेंट फॉर वॉट? इज इम्पॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमिना इन मैटर. वेल, इट इज़ नेवर आस्क्ड इन एग्जाम्स, कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है कि आप इलेक्ट्रिक डायपोल को क्यों पढ़ते हो, वॉट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. तो ये वाला जो सेक्शन जो मैं डाल रही हूँ, स्पेसिफिकली दिस फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट इज़ फॉर योर ओन नॉलेज. ठीक है, आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए, बस एक बार आप जान लो. ठीक है, बाकी जो भी एग्जाम वाला जो भी पोर्शन था वो यहाँ तक हुआ था. ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी आपका सिलेबस का था, जो भी CBSE ने दिया है एज ऑफ नाउ, वो यहाँ तक है. इसके आगे जो मैं भी बता रही हूँ, इट्स फॉर योर ओन नॉलेज. ठीक है, अगर आपने देखना है, कंटिन्यू करना है, तो यू कैन, अदरवाइज अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो दैट्स प्रिटी इनफ फॉर यू. ओके, सो द टॉकिंग ऑफ, कमिंग बैक टू इसकी जो इलेक्ट्रिक डायपोल की जो सिग्निफिकेंस है या इम्पॉर्टेंस है, वो क्यों है. ठीक है, तो जब भी आप मैटर में इलेक्ट्रिकल फिनोमिना को देखते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिनोमिना को समझते हो, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, किस लिए? कि आपने इलेक्ट्रिक डायपोल को पढ़ा है, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमिना इन मैटर, टू नो ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमिना इन मैटर, तो इट हेल्प्स यू देयर. ओके, अच्छा, टॉकिंग ऑफ मैटर, मैटर की अगर मैं बात करती हूँ, तो देखो, मैटर जो है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली. एंड वी नो एज अ होल, एटम और मॉलिक्यूल जो भी होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोले तो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है मतलब कि उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, एंड उनको ऐड करके नेट चार्ज जो है वो जीरो आ जाता है. एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे, एंड ये जो इक्वल नंबर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, वो उन्हें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है. ठीक है, अगर आपको चार्ज करना है तो आप इस नंबर को डिस्टर्ब करोगे, राइट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज. ओके, अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूल को ही ले लेती हूँ, अगर मैं मॉलिक्यूल की अगर मैं बात कर लेती हूँ, तो देखो, मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में कौन होता है? न्यूक्लियाई होता है, राइट? नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? तो अगर मैं ये बोलूँ, मुझे ना यहाँ पे आपको दो चीज़ें बतानी हैं. दो चीज़ें क्या बतानी है मुझे? मुझे यहाँ पे आपको बताना है कि पोलार मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. ठीक है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट हियर पोलार एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इसी के अंडर में.
देखो, अगर हमारा जो भी पॉजिटिव चार्ज है, जो भी नेगेटिव चार्ज है, अगर इनका सेंटर ऑफ मास, यू नो दैट सेंटर ऑफ मास इज व्हाट, इट इज दैट पॉइंट जहां पे ये सोचा जाता है कि सारा का सारा मास इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, प्लीज ये चीज को ना ध्यान से सुनिएगा, अगर सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कोइंसाइड कर जाता है, मतलब कि जो भी पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है एंड जो भी नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, दे आर लाइंग एट द सेम पॉइंट, दे कोइंसाइड, तो दैट मॉलिक्यूल, दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. दैट टाइप इज कॉल्ड इज वॉट? नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है. व्हाइल ऑन द अदर हैंड, अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में थोड़ा सा भी सेपरेशन है ना, मतलब दे डज नॉट कोइंसाइड, ठीक है, अगर इनके सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करते हैं, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द टू सेंटर ऑफ मासेस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, तो वो वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है. तो आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू नाउ, कि अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात होती है तो मतलब ये कि वहां पे उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, वो क्या कर रहा होगा, वो कोइंसाइड कर रहा होगा. लेकिन अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो दैट मीन्स उनके सेंटर ऑफ मास किसके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन तो होगा और उनमें कोई भी कोइंसिडेंस नहीं हो रहा होगा, एंड दे विल नॉट बी कोइंसाइडिंग. ओके. तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इज व्हाट? पोलर मॉलिक्यूल्स. सो आई होप दैट्स फाइन फॉर यू. तो पोलर मॉलिक्यूल्स अगर हैं, तो अगर उनके पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनके बीच में अगर थोड़ा सा भी सेपरेशन है, तो उनके पास कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट हो गई ना, कुछ ना कुछ एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता ही है, दे पजेस सम डाइपोल मोमेंट. तो आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू. ओके. तो अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसी के साथ ही, देखिए, अगर आपके पास अगर आपके पास कोई एक एक्सटर्नल फील्ड है, कोई दूसरी फील्ड है, मतलब दूसरे चार्ज की फील्ड है, एंड आप उस दूसरे चार्ज की फील्ड में आप इस डाइपोल को लाकर रखते हो, कौन से डाइपोल को लाकर रखते हो, आप अपने इस पोलर मॉलिक्यूल को लाकर रखते हो, पोलर मॉलिक्यूल्स वाले डाइपोल को लाकर रखते हो, क्या बोला मैंने, इफ देयर इज एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज, ठीक है, तो आप जो पोलर मॉलिक्यूल्स को लाकर रखोगे ना, पोलर मॉलिक्यूल्स को लाकर अगर रखोगे, तो व्हाट विल दे डू? देखो, पोलर मॉलिक्यूल्स को लाकर रखोगे तो देखोगे कि आप उनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है डाइपोल का, पोलर मॉलिक्यूल्स के डाइपोल का, तो इनके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, एंड वो अपना जो है वो डायरेक्शन बदलेंगे, दे विल टेंड टू अलाइन देमसेल्व्स. ठीक है, अपना डायरेक्शन कैसे बदलेंगे, दे विल टेंड टू अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द फील्ड डायरेक्शन. ठीक है, they tend to align in field direction, tend to align in the field direction, and उसके बाद they will have some net dipole moment. तो इनके पास कुछ net dipole moment आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ रही है बात. लेकिन on the other hand, अगर there is no field, अगर कोई field ही नहीं है, तो क्या होता है? तो देखिए, होता क्या है कि ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ना, पोलर मॉलिक्यूल्स और इनके जो भी डाइपोल्स फॉर्म हो रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिलके, तो इनका ना डाइपोल मोमेंट होता तो है, दे पजेस सम डाइपोल मोमेंट, लेकिन ये ना रैंडमली ओरिएंट होते हैं, रैंडमली पड़े रहते हैं. तो होता क्या है कि एक डाइपोल, लाइक सपोज कीजिए कि अगर एक का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है तो दूसरे का यूं हो जाएगा, अगर एक का ये है तो दूसरे का यूं हो जाएगा, अगर एक का ऐसा है तो दूसरे का यूं हो जाएगा. तो मतलब रैंडमली ऐसा होता है पूरे एक बड़े पीस ऑफ मैटर में, तो होगा क्या, ये सारे जो डाइपोल मोमेंट्स हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं सम हाउ, एंड देर इज नो नेट डाइपोल मोमेंट. ठीक है, कब? नो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ व्हाट? पोलर मॉलिक्यूल्स का. नो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स.
नो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ व्हाट पोलर मॉलिक्यूल्स कब, जब आप कोई भी फील्ड में नहीं रखते हो. क्यों? क्योंकि उनका जो भी डाइपोल मोमेंट होता है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में, इरेगुलर डायरेक्शंस में होते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड. सो देयर इज नो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड. लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, इन एनी अदर एक्सटर्नल फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज, कोई भी दूसरे चार्ज की फील्ड में आप ला कर नहीं रखते हो किनको, पोलर मॉलिक्यूल्स को, तो उनके जो डाइपोल मोमेंट होते हैं जो कि पहले रैंडमली ओरिएंटेड थे, वो अब सब अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. तो क्या होगा, तो द नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कुछ आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? आई होप इट्स क्लियर फॉर यू. अच्छा, दूसरी चीज ये है कि देखो, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास तो वैसे भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि उनका जो सेंटर ऑफ मास है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है, उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता, वो एक ही पॉइंट होता है, तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं. एंड इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड तो वैसे ही कुछ नहीं होना. लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड क्या होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ? देखो, इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो इनका एक ही पॉइंट पे लाइक कर रहा था, आप जब इसको दूसरे एक्सटर्नल फील्ड में डालोगे तो ये पॉजिटिव भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड अलग अलग तरीके से करेगा, राइट? तो इनके बीच में ना कुछ सेपरेशन आ जाएगा. अगर कुछ सेपरेशन आ जाएगा तो वो एक तरह का एक डाइपोल फॉर्म कर लेंगे, तो वहां पे एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा. ठीक है, जो भी जिस तरीके से भी ये लोग करेंगे, ठीक है, अलग अलग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो उन सब का जो भी डायरेक्शन होगा, उन सब का जब आप वेक्टर एडिशन करोगे तो यू विल गेट सम डायपोल मोमेंट, एंड दैट डायपोल मोमेंट इज कॉल्ड इज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट. क्योंकि पहले था नहीं, बट आपने वो पहले तो वहां पे डायपोल भी फॉर्म नहीं हो रहा था, लेकिन आपने वो कर दिया. कैसे? किसी फील्ड में डालकर. किस में? एक एक्सटर्नल फील्ड में डालकर. सो आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू. या ना, टॉकिंग ऑफ वन अदर थिंग जो कि मेरे को यहाँ पे डिस्कस करनी है, दैट इज डाइपोल फील्ड, एंड जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं, एंड इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डाइपोल फील्ड. ओके, सो टॉकिंग ऑफ डाइपोल फील्ड, अगर मैं बात करूँ कि डाइपोल फील्ड एज अ नेम सजेस्ट, देखिए, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आसपास एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर लेता है, एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर लेता है कि अगर कोई भी दूसरा चार्ज वहाँ पर आएगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, है ना? अगर कोई भी हम चार्ज लेकर आते हैं, कोई भी एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, और अगर हम इफेक्ट क्रिएट, इफेक्ट स्टडी करते हैं, इफेक्ट टेस्ट करते हैं इस डाइपोल का, देन दैट स्पेस सराउंडिंग द डाइपोल इज कॉल्ड इज व्हाट? डाइपोल फील्ड. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड दिस डाइपोल फील्ड. तो डाइपोल फील्ड इज बेसिकली द स्पेस अराउंड द डाइपोल इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस्ड. कैसे एक्सपीरियंस कर लोगे आप, कैसे टेस्ट कर लोगे? ऑब्वियसली बात है, कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आओगे, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखोगे डाइपोल से, एंड देन यू विल सी द इफेक्ट. ठीक है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट विल टेल यू कि हाँ, डाइपोल का फील्ड कैसा है या कितना है. ठीक है, तो डाइपोल फील्ड इज बेसिकली वॉट? इट इज द स्पेस अराउंड द डाइपोल, इट इज द स्पेस अराउंड डाइपोल इन विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ डाइपोल इज टेस्टेड, इज टेस्टेड और इज एक्सपीरियंस्ड. ठीक है, तो आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. लेट्स क्विकली रैप अप दिस वीडियो, एंड इसके आगे का वी आर गोइंग टू स्टडी इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो. सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन इफ स्टिल देर आर एनी डाउट्स, ठीक है, तो यू नो वॉट यू हैव टू डू. अगर कोई भी डाउट है तो पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन पर्सनली ईमेल मी टू द ईमेल आई डी विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.